कस्टमर आए जो हम बना रहे हैं, मैं प्यार से बना रही हूँ, प्यार से खिला रही हूँ, बस इतना वो खा के जाए। मेरी बेटी का ट्रीटमेंट होना है। अच्छा, तो कार्ड लगाने का मकसद ही यही था कि वहाँ जाके थोड़ा बहुत काम हो तो मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कर सकूँ। अच्छा जी, मेरी बेटी का ट्रीटमेंट में तो बहुत ज़्यादा खर्चा है कि जैसे कि एक घंटे का 45 मिनट का वो लेते हैं 900 रुपये। तो कितने साल होगा, कब तक ठीक होगी, मतलब कुछ पता नहीं है, वो बच्चे पर डिपेंड करता है। अच्छा, कि वो कब तक ठीक होगी। वो बोलती सुनती नहीं थी तो मैंने उसका कॉकलियर इम्प्लांट करवाया था जो कि चंडीगढ़ में होता है, यहाँ पे भी होता है पर मैंने चंडीगढ़ से करवाया क्योंकि मैं शिमला से हूँ ना। अच्छा, तो हमें वहाँ पे रेफर किया था तो मैंने वहाँ पे करवाया था, तो डॉक्टर ने बताया कि ये ठीक हो जाएगी। मैंने भी करवा दिया और बाद का जो प्रोसीजर है वो मुझे पता नहीं था कि क्या करना होता है ऑपरेशन। अच्छा। के बाद क्या करवाना होता है। ओके। तो उसके बाद मुझे जब पता लगा कि ऑपरेशन के बाद थेरेपी करनी होती है, वैसे गवर्नमेंट में भी होती है थेरेपी पर जो प्राइवेट में होती है वैसी नहीं हो पानी थी, और जहाँ मैं रहती हूँ शिमला में तो वहाँ से मुझे चंडीगढ़ आने को बहुत दूर था। अच्छा। तो मेरे को किसी ने बताया कि आप दिल्ली जाओ। अच्छा, चंडीगढ़ में भी कर सकते थे पर यही था कि किसी ने बोला कि दिल्ली में बेस्ट है तो आप वहाँ जाओ, फिर मैं यहाँ आ गई। मुझे 5-6 साल हो गए हैं यहाँ। 5-6 साल हो गए हैं। और ये जो आपको बेटी को जो प्रॉब्लम है वो कितने साल से है? वो बचपन से है। बचपन से है? नहीं, मेडिसिन उसकी कोई भी नहीं होती है, वो सिर्फ थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी जो होनी होती है उसी से ही वो ठीक होगी। मेरे पास अभी चीज़ वड़ा पाव, मोमोज वड़ा पाव और बटर वड़ा पाव। अभी बच्ची आपकी पढ़ रही है? हाँ, स्कूल जाती है, उसकी थेरेपी भी अभी स्टार्ट मैंने करी है क्योंकि काफ़ी मुझे हेल्प भी आई थी थोड़ा बहुत, तो थेरेपी स्टार्ट तो हो गई है। अच्छा। पर आगे कंटिन्यू कैसे करें इस बात की सबसे ज़्यादा चिंता है। किसी का ये रिजल्ट रहता है 45 मिनट वो लोग करवाते हैं डॉक्टर, ठीक है, कि कैसे करवाना है वो हमें भी बताते हैं। अच्छा। और ज़्यादातर बच्चे को अपने साथ रखना होता है। अच्छा। जैसे कि अभी मैं कार्ड पे हूँ तो मेरी बेटी अभी घर पे, अब मैं कार्ड पे ना रहूँ तो उसका इलाज कैसे होगा? बिल्कुल, मैं उसके साथ भी नहीं रह पा रही हूँ और कार्ड पे काम करना भी ज़रूरी है, तो इस वजह से अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ मुझे क्या करना है। पर मेहनत तो मुझे करनी है क्योंकि 12-13 साल की मेरी बेटी हो चुकी है, तो इतने सालों में हमने बहुत मेहनत से अपना मतलब जो बिजनेस था सब कुछ ख़त्म करके हम दिल्ली आए हैं। पहले हमारी वेल्डिंग की शॉप थी हिमाचल में। अच्छा। तो हमने सब कुछ वहाँ पे छोड़ छाड़ के हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए सिर्फ बेटी के लिए। बेटी के लिए? तो हम चाहते हैं कि आज से भी हमने 13 साल से भी हम अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए। मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों के आगे हाथ फैलाऊं और कि अपने बच्चे के इलाज के लिए, पर ऐसा नहीं है। पब्लिक बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सपोर्ट भी कर रही है, बहुत प्यार भी दे रही है, मेरे बच्चे के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग भी आ रही है, कई लोगों ने मेरी हेल्प भी करी है। अब मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा मैं जो बोलते ना ये भारत के लोग मेरी जो फैमिली बनी है मैं उनको और ज़्यादा तंग करूँ। नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। बिल्कुल। हाँ, बच्चा मेरा है, मैं मेहनत से उसको अपनी मेहनत से उसका इलाज करना चाहती हूँ। बिल्कुल। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे कार्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपनी बेटी का मतलब कि इलाज कर सकूँ। अगर काम नहीं होगा तो मैं इलाज नहीं कर पाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि मतलब कि लोग आए मेरी हेल्प करें। हेल्प का मतलब ये नहीं कि वो मुझे पैसे दे के जाए, पैसे नहीं चाहिए, बस कस्टमर आए जो हम बना रहे हैं, मैं प्यार से बना रही हूँ, प्यार से खिला रही हूँ, बस इतना वो खा के जाएं, अगर उनको अच्छा लगता है आएं। दीदी आप परेशान मत हो, आप जो कर रहे हो ना एटलीस्ट अभी आप जिस परेशानी से निकल रहे हो परेशान मत हो, आगे चल के सब कुछ भगवान अच्छा करने वाले हैं। अब मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूँगा कि अभी लास्ट थेरेपी कब हुई थी बेटी की आपकी? अभी उसको थेरेपी को 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया। जैसे कि अभी मेरा काम थोड़ा कम है। बिल्कुल। तो मैं चाह रही हूँ कि काम बढ़े और मैं कंटिन्यू आगे थेरेपी करवा सकूँ। काम नहीं रहेगा तो थेरेपी मेरी बंद करवानी पड़ेगी। बंद करवानी पड़ेगी। जैसे लास्ट मंथ से आपने नहीं कराई है। हाँ, तो अभी मैंने फीस नहीं दी हुई है, बस मैंने 1 महीने की फीस दी है। अच्छा। और अभी 1 महीने की भरना बाकी है। मैंने 6 तारीख को एडमिशन करा था और आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैं फीस नहीं दे पा रही हूँ। तो महीने की थेरेपी की फीस कितनी होती है? महीने का उन्होंने मतलब जो थेरेपी सेंटर है उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा कम करके बोला है कि आप थोड़ा कम दे देना मेरी प्रॉब्लम को देखकर। और जैसे कि मान लो अभी मुझसे ले रहे हैं वो 15,000 एक महीने का, वरना ज़्यादा होता है। और ये थेरेपी सेंटर कौन सा है एक बार बताओगे आप? थेरेपी सेंटर ये इग्नाइटेड माइंड स्पेशल स्कूल भी है, थेरेपी सेंटर भी है। अच्छा, तो आपकी बेटी वहीं पढ़ रही है? हाँ, मेरी बेटी वहीं पे पढ़ती है। ओके, बाकी एक बार लोकेशन दीदी बता दो। आप आना रानीबाग 44 नंबर रोड
प्रीतमपुरा और जीरो डिग्री सामने फेमस है और फ्लेवर्स भी हैं। ओके मैं इस बड़ा पाव का मजा ले रहा हूँ और आज इस वीडियो के लिए मैं फॉलो करने के लिए नहीं बोलूँगा, बस जितना ज़्यादा हो सके बस इसको शेयर करें कि सारे लोगों के पास पहुँचे और दीदी के पास भीड़ लग जाए।